अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आके छाक जे सगन मां समर भुट्टो अवां सगन हाजिर आया। नाज़रीन कल तव्हां ॾिठो त बिलावल साहब जेका लियारी में रैली कढी, उन रैली सां जेको बि थियो पथराव वग़ैरह थियो उहो कंडे में बिल हुयो। काफ़ी माण्हुनि खे खपे या काफ़ी पॉलिटिशन हिते एतिराज़ात बि कया, पर ॿिए हवाले सां अगरि ॻाल्हि कयूं त पाकिस्तानी अवाम इन शइ खे एप्रिशिएट करे रही आहे, अलाए छो इन शइ खे इनकरेजमेंट मिली रही आहे, जॾहिं त इन शइ ते एतिराज़ात हुजणु खपनि। अगरि आम इंसान उथी करे ईअं पथराव कंदा रहंदा, कंहिंखे जानी नुक़सानु ॾींदा, त इहो वाक़ई में इहो ATC में दायरे में थो अची सघे, ऐं इन दायरे खे बि अगरि सभु अवाम मिली करे इन खे लांघींदा त पोइ छा थींदो असांजे मुल्क जो। ॿिए तरफ़ ॿुधायूं त निगरान सेटअप खां बि तवई जेके तक़रीबन सियासी पार्टीज़ आहिनि तमामु घणियूं डिस्टर्ब लॻियूं पियूं आहिनि, छो जो निगरान सेटअप जे हवाले सां तव्हांखे ख़बर आहे त पेट्रोल जी क़ीमतुनि जा रेट्स बि वधी विया आहिनि, ऐं चयो थो वञे त निगरान सेटअप खे कोई राइट कोन्हे को त पेट्रोल जा रेट्स एॾा वधाया वञनि। जनरल इलेक्शन में तमामु घटि टाइम बचियो आहे, 23 ॾींहं बचिया आहिनि, जलसा जुलूस निकिरी रहिया आहिनि, ऐं माण्हुनि में इंतिशार बि नज़र अची रहियो आहे। आख़िर पाकिस्तानी सियासत में छा थियण वारो आहे, असां इन ते ॻाल्हाईंदासीं। तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त असां स्टूडियो में दावत ॾिनी आहे असलम भुट्टो साहिब, जेके MQM जा सीनियर लीडर आहिनि। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू तव्हां असांखे टाइम ॾिनो। ऐं नुसरत वाहिद साहिबा, जेके PTI जी तमामु सीनियर लीडर आहिनि, हमेशह असांजे शोज़ में ईंदियूं रहंदियूं आहिनि। थैंक यू मैम, आप हमारे शो में आई। अच्छा, सभु खां पहिरीं सर मां तव्हांखां पुछंदमि त कल्ह जेको बिलावल साहिब जी रैली ते थियो, पथराव थियो, तव्हां इन खे छा था छा कहिड़ी नोयत सां था ॾिसो? फारूक सत्तार साहिब सां ई 2 ॾींहं पहिरियों थियो, कल्ह बिलावल साहिब सां थियो, तक़रीबन हर कंहिं न कंहिं पॉलिटिकल माण्हू सां इहो मसइलो थी रहियो आहे अवाम जी तरफ़ खां। अवल त तव्हांजो महिरबानी, तव्हां पार्टी जो असांजी मौक़े ॿुधण जे लाइ मूंखे तव्हां दावत ॾिनी। हे जेको कल्ह जेको वाक़ियो थियो आहे, इहो वाक़ियो सिर्फ़ु कल्ह जो न आहे, इहो तसलसुल आहे। हिन खां अॻु में बि काफ़ी वाक़िया अहिड़ा थी चुका आहिनि, ऐं हिननि वाक्यनि खे जेसि ताईं असां पॉलिटिकल जेके पार्टीज़ आहिनि इन खे जेकॾहिं कंडेम न कंदासीं त इहे जेके आहिनि न मसला वधंदा वेंदा, इहे हिते बीहंदा कोन। अॼु बिलावल ज़रदारी सां इहो चकर थियो आहे, सुभाणे असां सां इहो चकर थी सघे थो, PTI जा जेके दोस्त आहिनि या ॿिया जेके पॉलिटिकल जेके पार्टीज़ आहिनि इन्हनि सां इहे इशू थी था सघनि। ॾिसो, अवाम जेको आहे उहो पंहिंजो कहिड़े न कहिड़े तरीक़े सां पंहिंजो रिएक्शन त ज़ाहिर रिएक्ट कंदी आहे उहा। हाणे हुकुमरान पार्टियुनि खां त अवाम इहो पुछण जी बिल्कुलु हक़ बजानिब बि आहे त उन्हनि खे 5-5, 10-10 साल जॾहिं मुंतखिब करे उन्हनि खे नुमाइंदगी ॾिनऊं त उहे पुछी बि सघनि था त बाबा तव्हांखे 5-10 साल सां नुमाइंदगी ॾिनीसीं त तव्हां असांजे लाइ छा कयो आहे। इहो बिल्कुलु अवाम पुछे, अवाम पंहिंजो कानून जेको आहे पंहिंजे हथ में न वठे। पॉलिटिकली तौर ते जेको आहे, पॉलिटिकली तौर ते जंहिं कमु न कयो आहे, जंहिं अवाम जी ख़िदमत न कई आहे, अवाम ॾे वञी करे अवाम जो वोट हासिलु करे ऐं जेकॾहिं 5 साल उहे उन्हनि खे वरी अवाम खे मुंहुं बि न ॾेखारियो, कुझु बि न कयो, त उन्हनि वटि हिकिड़ो तमामु ज़बरदस्त हथियार आहे अवाम वटि। उहो हथियार आहे वोट न ॾियण जो, वोट जो हथियार अवाम वटि आहे। सुभाणे जेकॾहिं उन्हनि नुमाइंदनि खे जेकॾहिं उहे कैंसिल करे था छॾनि, उन्हनि खे जेकॾहिं नाकाम कनि था पिया ऐं जेकॾहिं नई क़यादत खे अॻिते आणनि था, इहा तमामु सुठी ॻाल्हि आहे। पर कल्ह जेको बिलावल ते जेको इहो वाक़ियो थियो आहे, इहो बिल्कुलु कंडेमेबल आहे। ऐं सर, तव्हांखे ख़बर आहे त लियारी भुट्टो ख़ानदान जो गढ़ रहियो आहे, ठीकु आहे, उन जो घर आहे पीपल्स पार्टी जो, पीपल्स पार्टी जो MQM बि उतां सिलेक्ट रही आहे सर। अच्छा, ॿी ॻाल्हि इहा त इहो ज़रूरी बि न आहे समर, ॾिसो लियारी सॼो पीपल्स पार्टी जो गढ़ न आहे, न MQM सां बि उन सां रही आहे, बिल्कुलु आहे, रिलेटेड काफ़ी पार्टियूं हुते। पर छा आहे, हाणे इहो कीअं ख़बर पए त आया उहा पार्टी, जेकॾहिं पार्टी जेको नुमाइंदो वञे थो, पार्टी जो जेको लीडर वञे थो, फॉर एग्ज़ाम्पल जेकॾहिं अॼु असांजो जेकॾहिं को नुमाइंदो वञे थो पियो, हुन सां जेकॾहिं बदतमीज़ी थिए थी पई, त इन ॻाल्हि जी कहिड़ी शायदि आहे त उहो MQM जो ई आहे जेको बदतमीज़ी थो करे, या पीपल्स पार्टी सां जेकॾहिं केरु करे थो त उहो कहिड़ी ख़बर पवंदी त पीपल्स पार्टी। बहरहाल हिन खे बिल्कुलु कंडेम करणु घुरिजे, तमामु सियासी पार्टियुनि खे हिन शइ खे कंडेम करणु घुरिजे। इहा हद जेकी आहे इहा लिमिटेड वारी हद न आहे, इहा अॻिते वधंदी ऐं ख़ुदा न ख़ासा जेकॾहिं को नाख़ुशगवार जेकॾहिं वाक़ियो थी थो वञे इन मसइलनि में त पोइ सियासी तौर ते असांजे पाकिस्तान जे में जेको इलेक्शन जेको थिए थो पियो, ऐं इहो सम्झां थो त मतां हुनखे बि वॾो नुक़सानु पहुची नुक़सानु थी सघे थो। मैम, आप क्या कहेंगी कि ये जो वाक़ई में आम आवाम निकल आती है, पथराव हो जाता है, एहतजाज होते, ये सही तरीक़ा है, पूरी दुनिया हमें देख रही है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा गलत चीज़ है, इसको मैं बुरी तरह कंडेम करती हूँ, और इसमें लिटरली ये हम नहीं कह सकते कि वो वाकई भी पीपल्स पार्टी के लोग थे या MQM के थे या PTI के थे या किसी और जमात के थे, क्योंकि अब जिस तरह हमारा जलसा था, आपको पता है एक दिन पहले वहाँ पे बेइंतहा हंगामे हुए, खूब तोड़फोड़ हुई, अब ये नहीं पता था कि वो पीपल्स पार्टी के लोग थे या MQM के लोग थे या PSP के लोग थे, कोई भी हो सकता है, क्योंकि उस मौके से फ़ायदा उठाना होता है हर एक को। अब कल बिलावल साहब जितना हरासा वो हो गए थे, बार बार TV पे दिखा रहे थे उनका, कि उनका क्या कसूर है, ही वॉज नॉट इन पॉलिटिक्स
बिफोर 5 ईयर्स यस अभी पहली दफा वो आ रहे हैं और वो जो भी अपना मंशूर बता रहे हैं उसको खामोशी से सुन लिया जाए क्या पता ये पढ़ा लिखा बच्चा है ये कुछ कर ले अच्छा और आपका दिल करता है वोट दे नहीं दिल करता नहीं दे लेकिन इस तरह किसी का जिसे कहते हैं जी वेलकम करना इज़ अ वेरी वेरी बैड थिंग वो जगह जो कि लियारी जिसको ये लोग अपनी पहचान कहते हैं पीपल्स पार्टी वाले कि वहाँ से बीबी जीती वहाँ से मेरे ख्याल में भुट्टो भी जीते थे और फिर बेनज़ीर की शादी हुई वहाँ पे जी जो बहुत ही मतलब एक आप कहें कि अटैचमेंट वाली बात है कि उस इलाके के लोग बेइंतहा अटैच थे पीपल्स पार्टी से लेकिन अब चूंकि ज़ाहिर है कि हुकूमत 5 साल क्या 10 साल रही है पहले 5 साल पूरे पाकिस्तान में फिर उसके बाद 5 साल यहाँ पे तो इनको कुछ ना कुछ तो करना चाहिए था कल पहली दफ़ा देखा कि उनकी गाड़ी किस तरह स्टक हुई जी इतनी छोटी गलियाँ हैं कि पहिए उसके नालों में चले गए पानी है नहीं औरतें बेचारी ऊपर खड़े होकर दिखा रही ड्रम्स के देखो पानी नहीं है हमारे घर में अब मैम ये भी तो सीरियस इशू है ना जो चल रहा है बिल्कुल पहले किसी ने भी ध्यान नहीं दिया पर इसमें चलो ये बोल सकते हैं कि बिलावल का कोई कसूर नहीं ठीक है लेकिन मैं इस बात पे खुश हूँ कि खान साहब ने आवाम को अवेयरनेस दे दी है मैम ये कौन सी अवेयरनेस दे दी कि आप घर से निकलो जहाँ पे भी जा रहे हैं जो भी नुमाइंदे मैं इसकी बात नहीं कर रही सिर्फ के पीपल्स पार्टी के साथ हुआ है नहीं हमारे अपने लोगों के साथ हो रहा है कि हर बंदा पूछता है कि तुमने क्या काम किया है तो नेक्स्ट टाइम जब ये लोग आएंगे इंशाल्लाह तो ये फिर इनको पता होगा कि हमें काम करेंगे तो आवाम के पास जा सकते हैं वरना फिर जूते पड़ेंगे और ऐसे भी नहीं होगा कि चलो अभी आपने वोट ले लिया 5 साल आप गायब हो जाओ नहीं जब इलेक्शन आए आप नजर आ जाओ बिल्कुल नहीं अच्छा फारूक सत्तार से तो ये शिकायतें थी ना सर ये मानन के ना फारूक सत्तार जो है फारूक सत्तार वाह मेमण मस्जिद में जो वाक्य थो जो ऐसो ना वो जै जै मौलवी साहब जो मौलाना जै उन ये वाक्य किया ज़ाहिर जमात इस्लामी से बिलोंग करे पो हाँ एम क्यूम से जर कोई अड़ो अची कर गाल करे तो पो तो ज़ाहिर जमात इस्लामी जो हों वो गुलन जहा हार न विझो पीटीआई जो दोस्त जो हों वो गुलन जहा हार न विझा ठीक है तो यो इन कर कंडेम करण की वे पैमाने से कंडेम तो क्या पो इन वाक्यात के न थे घुर्जे निगरान हुकूमत जो है जिन माल जो इलेक्शन जैसी निगरानी में हले तो पो सिस्टम तो उन्होंने यो खे तो इन शोरी इकदाम कन फौरी तौर से इन रिएक्ट कन निगरान हुकूमत जी जी इन शोकथाम से जो रिएक्ट न कह तो मुख्य भव इो जी मां के अवल तो जो वो वाक्य थी तो पे या का गाल थी वे तो उनको जाहिर उनको रिएक्शन जो है ना तो वो ढो खतरनाक रिएक्शन हाँ अगोड़े जो तुम गाल कई तो बिलावल जो उनके पेरों दफो चांस मिले जी, तो इलेक्शन में हिस्सो वो निकड़े घर में ऐसो माँ बिल्कुल खुली गालायण जो आदि जी जरूर सर तो गुनाह जो हों ना गुनाह वो गुनाह जो हों जो वा कहन उन बार भी उन गुनाह जो है ना वो सजा जो भुगत तैयार होजन ठीक है एकड़ी फैमिली है मां फैमिली की मिसाल दें जो गुनहगार आया तो मुझा बार जो हों मुझी फैमिली जी होंगी वह सफर कंदी हाँ पीपल्स पार्टी जी है पीपल्स पार्टी इन में कोई शक ना तो पीपल्स पार्टी इन मामले में वही गुनहगार आ मोहतरमा जो शहीद थी उनका जो उफकार हुआ उनका जो अल्फाज हुआ उन में अज में पीपल्स पार्टी में जमीन आसमान जो फर्क आड़ो बहसियत भुट्टो मांो बहसियत भुट्टो असली भुट्टो असलम भुट्टो अज असलम भुट्टो जरदारी हुआ अज माँ भी अलग किथे हो जा ना तो इन करे चवण जो मकसद यो है इन अवाम जो है ना अवाम के रिएक्ट करण घुर्जे बिल्कुल करण घुर्जे नुमाइंदे के खिलाफ रिएक्ट करण घुर्जे पर कानून पे हथ में न वटे वो रिएक्ट करे बैलेट बॉक्स के जरिए उन में वोट के जरिए उन रिएक्ट करे ताकि आईंदा उन नुमाइंदे के हिम्मत ही न थे उन इलाके में इलेक्शन विड़न की उन्होंने जमानत जब्त कर छे तुम प्रोग्राम के तवसन से उन तमाम अवाम के पाकिस्तानी अवाम के ये अपील कंदुस तो वो पे जो वो अपना जो है ना वोट का हक अदा करें वो बैलेट बॉक्स का अपना हक अदा करें बैलेट बॉक्स में उनको वोट के जरिए नाकाम करें ताकि फिर वो आइंदा जो है ना आपके हलकों में कभी नजर भी नहीं आएंगे जो काम करने वाले नहीं लोग हैं कानून अपने हाथ में रहें खुदा रहा क्योंकि पाकिस्तान वैसे भी इस वक्त बड़े नाजुक दौर से गुजर रहा है और कई ऐसा ना कुछ सर ग्रे लिस्ट में हम ग्रे लिस्ट में आ गए मैम अच्छा ये जो हालात हो रहे हैं चलिए ठीक है पाकिस्तान की आवाम को रिएक्ट करना चाहिए पर बैलेट बॉक्सेस के जरिए रिएक्ट करना चाहिए पर उसके बावजूद भी ऐसे नहीं है कि लग रहा है क्योंकि थर्ड कोई स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल ऐसी कुव्वत है जो फायदा ले रही है ऐसे माहौल का ग्रे लिस्ट में भी हमारा नाम आ गया ग्रे लिस्ट में नाम इसीलिए आया है कि हमारे मोरल जो है उनको डाउन किया जाए कि जब हमारे अंदर वो चीज़ रही नहीं जाएगी कि हम तो इस काबिल ही नहीं है कि दुनिया में जी सकें
कि आज वो हमें कहाँ पे लेके जा रहे हैं, किसकी वजह से लेके जा रहे हैं। देखें, ये जो हुक्मरान थे इन्होंने पाकिस्तान का सत्यानाश किया। अभी तो देखें 11 और इनकी जायदादें निकली हैं, 21 और वो लंदन में अभी, हाँ अभी आप देखें पेरिस में निकलेगी, इटली में निकलेगी, स्विट्जरलैंड में निकलेगी, ऑस्ट्रेलिया में निकलेगी, न्यूजीलैंड में, हर जगह होगी, हर जगह। ये मैं बिल्कुल मतलब अपने दिल के उससे कह रही हूँ कि लिटरली इनकी हर जगह होगी। इन्होंने सिर्फ अपने आप को बढ़ाने के लिए पाकिस्तान को इस्तेमाल किया है, और पाकिस्तान को किस तरह ये किस नहज पे ले आए कि आज हम ग्रे लिस्ट में शामिल हो गए। ये वो मुल्क था जिसने जर्मनी को 20 करोड़ रुपए दिए थे उधार, इन्होंने तो मलेशिया को दिए थे 80s में। बिल्कुल देख लिया, तो कहाँ पे वो कहाँ ये हमारी कहाँ थी, और आज देखें गल्फ कहाँ पहुँच गई और हम कहाँ आ गए। हमने सिखाया सब कुछ उनको। फाइव स्टार एयरलाइंस में पीआई आती थी। नाज़रीन इते वक्त थियो आहे ब्रेक जो, ब्रेक खां पोइ असां नून लीग जो बि कंहिं रहनुमा खे वठण जी ट्राई कंदासीं। त इलेक्शन जा मंशूर अची विया आहिनि, पर नून लीग जो अञा ताईं न आयो आहे, छो तज़ाद आहे नवाज़ शरीफ़ जी ॻाल्हियुनि में बि ऐं शहबाज़ शरीफ़ जी ॻाल्हियुनि में बि, त आख़िर इलेक्शन जो उन्हनि जो मंशूर छा हूंदो। सो फ़िलहाल असां सां गॾु रहिजो, वठूं था ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। सर, तव्हांजो इलेक्शन जो मंशूर छा हूंदो हिन दफ़े अवाम में, तव्हां वेंदव त छा चई अवाम खां वोट वठंदो, छो पी एस पी मुस्तफ़ा कमाल केश कराए रहियो आहे त मुंहिंजे दौर में पाणी जी किल्लत हुई न, एम क्यू एम सॼो पाणी जेका बि किल्लत आहे उनजी ज़िमेदार एम क्यू एम ऐं पीपल्स पार्टी आहे। पोइ सर, तव्हां वटि कहिड़ो मंशूर आहे, माण्हू बि तव्हां खां नाराज़ आहिनि? हिन वक़्तु जेको इशू हले थो पियो, जेकॾहिं ग़रीब अवाम जेकी आहे, जेकॾहिं हुनजो मसलो हल करिणो आहे ऐं वॾनि माण्हुनि खे हल करिणो आहे, त हिन पॉइंट ते वञनि त आख़िर कहिड़ी वजह हुई त बहरिया खां अवल पाणी जो इशू न हुयो कराची में। जी, जॾहिं का बहरिया जो वजूद आयो आहे कराची में, उन्हनि ॾींहनि खां वठी पाणी जो इशू अचे थो, त हिन मां इहो साबित थिए थो त असांजो पाणी जेको बि आहे ज़्यादातर मेजोरिटी में कराची जी अवाम जो, जेके कराची जी घिटियुनि में जेके ग़रीब माण्हू जेके रहनि था पिया, कराची जी अवाम जेके जेको पाकिस्तान खे हलाइण जी कोशिशि कनि था टैक्स ॾेई करे, उन्हनि जो पाणी जेको आहे उहो बहरिया टाउन में जाम वञे थो पियो। जेकॾहिं हिन जी तह दिलि सां जेकॾहिं हिन जी इंक्वायरी कई वेंदी त उहा सॼी ऑटोमेटिक सॼी रिपोर्ट साम्हूं अची वेंदी। जेसि ताईं आहे पी एस बी जो, जेको मुस्तफ़ा कमाल जेकॾहिं क्लेम करे थो पियो त मुंहिंजे ज़माने में इहे कमु थियो, मुंहिंजे ज़माने में इहो कमु थियो, मंशूर जेकॾहिं इहो आहे त पोइ हुन में इहो हैदराबाद बि हुयो न, न मंशूर जेकॾहिं इहो आहे त पोइ हुन मंशूर में इहो लफ़्ज़ बि एड करे छॾनि त मां एम क्यू एम जो मेयर हुयुसि ऐं एम क्यू एम ई डिलीवर कयो, एम क्यू एम ई कमु कयो, छो जो मुस्तफ़ा कमाल जी सियासी तौर ते उनजी का वर्थ न हुई, कहिड़े बि क़िस्म जी न हुई। ज़ाहिर एम क्यू एम उनखे नॉमिनेट कयो, सिटी मेयर बणायऊं, ऐं उनजे पोइ जेको सिटी नाज़िम थियण खां पोइ सिर्फ़ु मुस्तफ़ा कमाल अकेले कमु न कयो, पूरी पार्टी सेटअप हुन सां गॾु हुई। तव्हां छा था सम्झो पिया त कराची जेको एॾो तब्दील थियो उहो सिर्फ़ु मुस्तफ़ा कमाल जे करे थियो? न, हुन में पूरी पार्टी क़यादत, हुन में पूरी पार्टी क़यादत ऐं पार्टी जा अवाम जेके कारकुन हुया उहे हुन में इन्वॉल्व थी विया, तॾहिं इहो कराची जो नक्शो तब्दील थियो। ऐं हाणे जेको असां वञूं था अवाम में, असां एम क्यू एम जो इहो मौक़िफ़ खणी था वञूं पिया अवाम में, एम क्यू एम खे असां चऊं था पिया, जेको मुस्तफ़ा कमाल जेको क्लेम करे थो पियो, असां इहो चऊं था त जॾहिं असांखे 100% जेॾी महिल असांखे उहे अख़्तियारात ॾिना विया त असां कराची खे डिलीवर कयोसीं, असां ॿियनि शहरनि खे बि डिलीवर कयोसीं, पर जेकॾहिं हाणे असांखे हथु ॿधी करे पेर ॿधी करे जेकॾहिं विहारे करे चवनि था इहो कमु कयो त असां उहो कमु ज़ाहिर आहे जेतिरी असांजी बिसात आहे, जेतिरी असांजी हिकिड़ी कैपेसिटी आहे, असां उहो डिलीवर करण जी कोशिशि कयूं था पिया। ऐं अवाम बि, कराची जी अवाम वॾी बाशूर अवाम आहे, उहा ॾिसे थी पई त जेॾी महिल असांखे अख़्तियार हुया असां छा छा करे ॾेखारियोसीं, ऐं अॼु जे करे असांजी इहा पोज़ीशन आहे त अवाम उनखे बि ॾिसे थी। ऐं 25 तारीख़ परे न आहे, इनशाला त 25 जुलाई ते सॼी ख़बर पइजी वेंदी, जेके खिलाड़ी या जेके सियासी जेके कराची में जेके उमेदवार जेके बीठा आहिनि, त इनशाला ताला 25 जुलाई ते कराची जो अवाम इहो फ़ैसिलो कंदी त कराची जे लाइ हुनजी नुमाइंदगी केरु करे सघनि था पिया। डॉल्फिन जेका आहे उहा हमदर्दियूं सिंपथीज़ कराची जो अवाम जो नथी वठी सघे, न ॾिसो जेको हुननि जो मंशूर आहे जेके ॻाल्हाए रहिया आहिनि, ॾिसो डॉल्फिन जेको आहे डॉल्फिन ते त ज़ाहिर थी थो सघे कंहिं ॿिनि जा बि हथु हुजनि, मां इहो थो चवां त डॉल्फिन में तव्हांखे
हिकिड़ो लीडर त वेंदे नज़र ईंदो उते, आवाम जी कैपेसिटी तव्हां ॾिसो न, अॼु ताईं हुननि का बि सीट ज़ाहिर इलेक्शन ते कंटेस्ट न कयूं ऐं एम क्यू एम खे घटि वधि ॻाल्हाए करे त एम क्यू एम जा जेके बि एम पी एम आहिनि जेके पी एस बी विया अॼु उन्हनि खे चवंदा त असां हमने लात मार दी एम क्यू एम की सीट को, हमने ये कर दिया वो कर दिया, वो लात मारने वाली सीट है कहाँ? जो एम क्यू एम की सीट थी, जो एम क्यू एम के अवाम ने मुंतखब किया था, जो एम क्यू एम के एम पी एम एन एस थे, फिर जिस वक्त जब अपोजिशन लीडर की तब्दीली की बात आ रही थी, जब ये निगरान सेटअप की बात आ रही थी, तो ये उनको अपने एम पी एम एन एस करके और शो ऑफ कर रहे थे, तो वो उनके एम पी एम एन ए कहाँ थे? वो तो एम क्यू एम के एम पी एम एन ए थे। तो लिहाजा अवाम ये चीज़ अच्छी तरह से देख रही है कि सीट की वजह से उन्होंने क्या कुछ नहीं किया, और बहुत सारे लोगों ने अपना जो है अपनी वकार, अपनी इज्जत और अपना बहुत सारा कमाया हुआ माल अगर बचाना होता है तो वो इधर भी हाथ मारते हैं, इधर भी मारते हैं, वो मारते रहते हैं, और ऐसे लोग आपको हमेशा नज़र आएंगे। ये आज नहीं है, ऐसे लोग हमेशा आपको आते जाते नज़र आएंगे और हर पार्टी में जाते हुए आपको नज़र आएंगे, जो इस वक्त आप लोग देख रहे हैं। अच्छा मैम, आप लोगों का जैसे पी एस पी से जैसे इमरान खान साहब ने तो क्लियर बोला है ना कि इलेक्शन जीतने के लिए किसी के साथ भी अगर सीट के हवाले से सीट एडजस्टमेंट हो रही है तो डजंट मैटर, हम लोग करेंगे, और पीएसपी से उनकी बहुत बन चुकी है ना। इमरान खान तो पहले भी एमक्यूएम के ख़िलाफ़ बोलते थे, अब तो खैर चुप हो गए, हो सकता है इनसे भी सीट एडजस्टमेंट की बात हो जाए। पर आपको क्या लगता है कि आपकी पार्टी के अंदर जो जितने इतने मसले चल रहे हैं, काफ़ी सारे लोग हैं जो आपके ख़िलाफ़ हो गए हैं, जो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ने को तैयार हो गए हैं, तो अब ये क्या होगा, पार्टी को आप क्या देख रही हैं? देखिए, अपने लोग आपके ख़िलाफ़ बोल रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, एक्चुअली बहुत सारे लोग जिनको टिकट नहीं मिले तो वो सब खिलाफ हो गए, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे, वो इलेक्शन नहीं लड़ रहे। हाँ, तो कोई बात नहीं, वो तो आज़ाद लड़के हमारे पास आ जाएंगे वापस। अच्छा, ओके, आ जाएंगे, अगर जीत के तो आ जाएंगे। हाँ, ओके। तो लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, देखें इस वक्त हमारे लिए जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि एक दफ़ा खान साहब को वज़ीर आज़म बन जाना चाहिए, इसलिए कि जिस तरह उन्होंने के पी के में काम किया सबको नज़र आ रहा है। नहीं, अवाम ना खुश नहीं, दो चार लोग तो खड़े होकर हर जगह बोल देंगे, बस ये दो चार लोग आ जाते हैं। हाँ, बिल्कुल, वो हाँ। तो एक घर में भी एक बंदा ऐसा होगा जिसको अपना घर पसंद नहीं होता, बहन भाई पसंद नहीं होता, तो ये इस तरह के लोग आपको हर जगह नजर आएंगे, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन ओवरऑल हम देखते हैं कि जिस तरह शहबाज शरीफ कहता है कोई नया अस्पताल नहीं बनाया, कोई स्कूल नहीं बनाया, भाई पहले जो एग्जिस्ट करते हैं उनको तो बेहतर बना लें, और उनको बेहतर बनाया है खान साहब ने, मतलब वट एवर जो हुकूमत वहाँ पे है पीटीआई की, उसने बेइंतहा हर चीज़ में बेहतरी लेके आए। जाहिर है मैजिक वैंड तो है नहीं उनके पास कि वो एक छड़ी घुमाएंगे और सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन वो शहर जिसमें रोज़ाना 3-4 कत्ल, बॉम्ब के धमाके जी, और जी, फिर जी। आपको पता है पठान ईजिली एक्सेप्ट नहीं करता चीज़ों को, वहाँ पे अगर हम लोग पेशावर जाते थे तो होटल से निकलते नहीं थे, बिल्कुल डर के मारे, लेकिन अब जो लोग वहाँ गए हैं और वापस आए हैं वो कहते हैं इतनी ज्यादा हालात बेहतर हो चुके हैं हर हिसाब से, हॉस्पिटल जाओ तो लगता नहीं कि पाकिस्तानी हॉस्पिटल है, स्कूलों में आपको पता है 2.5 लाख बच्चा प्राइवेट स्कूल से निकल के इसमें सरकारी स्कूल में आया है, तो हर चीज बेहतर हो रही है, पुलिस बेहतर हो रही है, सड़कें बेहतर हो रही हैं, वट एवर जो भी। तो एक दफा हम चाहते हैं कि किसी तरह खान साहब पूरे पाकिस्तान के ऊपर वज़ीर आज़म बन जाएं ताकि पाकिस्तान एक पैटर्न पे चल पड़े। फिर कैसे हालात सही होंगे? अभी 5 साल में केपी के कितने हालात सही नहीं हुए? क्यों नहीं सही है? देखिए पूरा केपी के हालात क्यों नहीं सही है? क्यों नहीं सही है मुझे बताएं? आपके खुद लोग कहते हैं कि 5 सालों में सही हो सकता है, मेट्रो की वजह से रोड देख लें, आप प्राइस देख लें, कीमत देख लें उसकी, जो लाहौर में बना है, इस्लामाबाद में बना है और वहां पे बन रहा है, बात ये नहीं है। देखिए इख्तलाफात करने वाले लोग, नुक्ताचीनी करने वाले लोग हर जगह हर लम्हे आपको मिलते रहेंगे, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है क्या वहाँ पे काम हुआ है, वो 4 साल और 50 साल से कंपेयर मत करें, 4 साल और 30 साल से कंपेयर मत करें। जो आपके अपने लोग खिलाफ हो गए, आपने सुना है घर का भेदी लंका ढाए, ये ऐसा तो है, अब देखे ना गुला ले आई क्या क्या उसने किया, लेकिन लोगों को पता चल जाता है क्या, हमें ये पता है कि खान साहब सच्चे हैं, ठीक है, अगर उनके इर्द गिर्द 2-4 लोग ऐसे निकल आए हैं जो कि गलत काम कर रहे हैं, वट एवर, अभी मतलब कोई सबूत नहीं है, सिर्फ लोग ही बातें कर रहे हैं ना, नहीं अभी तो काफी ऐसे लोटे आ गए जिन्होंने गलत काम किए हुए हैं माजी में, लोटे तो खैर वो अलग बात है ना, जो हमारी अपनी पार्टी में काफी अरसे से थे और वो उनके बारे में हो रहा है कि उन्होंने ये किया उन्होंने किया, सबूत कोई नहीं है जी, सबूत कोई नहीं है। और अभी अभी हमें ज्वाइन किया बाबू सरफराज साहब ने, उनसे थोड़ी बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम बाबू साहब, अस्सलाम वालेकुम बाबू सरफराज साहब, लाइन पे मौजूद हैं,
ओके शायद जी सर आपके कमेंट ना करने पे चाहिए। मैं कमेंट ये करना चाह रहा था कि जिस तरह से मेरी बहन नुसरत बहन जो कह रही थी खान साहब के हवाले से, केपी के में जिस तरह से उनको पूरे सूबे की हुकूमत दी गई थी, ठीक है, अगर इसी तरह से जिस दिन हम पे भी नजर करम आ गई और हमें भी किसी दिन पूरे सूबे पे अगर हुकूमत दे दी गई तो इंशाल्लाह ताला हम सूबे को जो है ना काम करके दिखाएंगे और सूबे के आवाम को काम करके दिखाएंगे हमें जितनी कैपेसिटी में। जी अस्सलाम वालेकुम सरफराज साहब। हेलो अस्सलाम वालेकुम बाबू सरफराज साहब। नो नो सो चवण जो कहने का मकसद ये है कि ये सूबा बनाना ये करना इतना आसान नहीं है। और दूसरी बात ये है कि हम कभी भी इस चीज़ की ख्वाहिश नहीं रखते कि महाजिब सूबा बनाया जाए या कुछ किया जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा कोई देखिए जब कोई किसी की आवाज़ नहीं सुनेगा ना, अब मिसाल के तौर पर इमरान खान साहब का भी ये बयान आया था कि पख्तूनों के साथ बड़ी ज्यादती हो रही है, उन्होंने पिन पॉइंट किया पख्तून को। पीपल्स पार्टी की पीपल्स पार्टी का भी यही इशू आता है कि देखे लाड़काना के वजीर आजम में पंजाब के वजीर आजम में फर्क रखा जाता है, ये किया जाता है। पंजाब में से नवाज शरीफ ने भी एक दिन ये कहा था कि जाग पंजाबी जाग तेरी पगनू लग गई आग। और अगर जिस दिन एमक्यूएम अगर ये बात करती है महाजिर की, महाजिर लोगों की बात करती है जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, कुर्बानियां देकर बनाया, जब आप उसको ऑन नहीं करेंगे, उसको डिसऑन करेंगे तो ला माला कहीं ना कहीं तो वो जो आपके अंदर की फीलिंग्स है वो कहीं ना कहीं तो सामने आएंगी। तो वो ये लावा अंदर का उबल के बाहर आ जाता है। मैम कराची का हाल क्या होगा, कराची की सियासत किसके पास जाएगी? इमरान खान तो देखो हर जगह जाओ इमरान खान की बातें होती है, पर एमक्यूएम भी स्ट्रांग है, पीएसपी उतर गई, अभी बिलावल उतरा है, बिलावल तो है यंग ब्लड। काफी सीटें जीतेंगे इंशाल्लाह सिंध में, पूरे सिंध में। अच्छा, इमरान खान साहब तो कह रहे हैं कि हम पूरे पाकिस्तान में स्वाइप करेंगे। करेंगे, बिल्कुल करेंगे, वजीर आजम हमारे ही होगा। देखिए ये ऐसी कौन सी गिदड़ संगीत है, पता तो चले कि इतना कंफर्म है। ये कंफर्म कंफर्म जो है कि कुछ भी हो जाए वजीर आजम हमारा होगा, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं किसी ने ख्वाब दिखा दिया हो, किसी ने ख्वाब की बात नहीं। देखें 13 में हम जीते हुए थे, हर बंदे को पता है, पूरी दुनिया से लोग आए थे वोट डालने के लिए, जिससे पूछो वोट पास तो बहुत बेईमानी हुई आपको पता है। इस दफा इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो बेईमानी नहीं होगी। 8 लाख तो कंफर्म थे ना हमारे कराची के, लेकिन 20 लाख वोट था एक्चुअली, वो बाद में हमें नालों से फटा हुआ मिला, कहीं और से मिला, रद्दी के टोकरियों में मिला, वो हुआ बेईमानी। अब वो नहीं होगा इस साल इंशाल्लाह, मेरी दुआ है वो 20 लाख अभी बैलेट बॉक्स पर से निकला है। चलो लेट्स सी, इस बार ना हो, इस बार ना हो, क्योंकि नौशीन साहब ने तो बोल दिया है कि इलेक्शन साफ शफाफ होते हुए नजर नहीं आ रहे, तो इसकी क्या मर्जी है, क्या मतलब है? नवाज शरीफ की बात को क्या सुनना है और क्या करना है? नहीं मैं स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल लीडर तो है ना। खैर नाज़रीन ते वक्त हुआ है ब्रेक, जो ब्रेकअप हो सा हाजिर थी, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन तव्हांखे ॿुधायूं हाणे हाणे असांखे बाबू सरफराज जितोई साहब जिन जॉइन कयो आहे नून लीग जा सीनियर अॻवान, उन सां ॻाल्हाईंदासीं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सर, तव्हां असांखे टाइम ॾिनो। सर तव्हांजो अञा ताईं मंशूर छो न आयो आहे? इलेक्शन में त 23 ॾींहं बचा आहिनि। मंशूर त अची चुको आहे, असांजो उहो ई पुराणो मंशूर आहे, अमन, इंसाफ़, रोज़गार सस्तो ऐं सभ जे लाइ। अच्छा, ऐं सर जेको नवाज़ शरीफ़ साहब जो वोट को इज़त दो इहो नारो हूंदो, इहो मंशूर हूंदो, पर शहबाज़ शरीफ़ साहब जूं ॻाल्हियूं ॿियूं आहिनि। न कंहिं ॿिए ॻाल्हियूं कोन्हनि, वोट को इज़त दो बिल्कुलु आहे, ऐं इहो असांजो स्लोगन आहे, इहो असांजो नारो आहे, इहो नारो इलेक्शन में रहंदो कि वोट को इज़त दो। इन जे करे त वोट जी ऐं वोटर जी ऐं पार्लिमान खे भित सां लॻायो थो वञे पियो, उनजी उनखे किथे बि इज़त न थींदी वञे। वोटर खे ऐं पार्लिमान खे ऐं वोट खे बिल्कुलु ईअं रखियो वियो आहे त जो कुझु कोन्हे, ॿिया अदारा वधीक मज़बूत आहिनि, पार्लिमान जी का हैसियत कोन्हे। अच्छा अच्छा सर, नवाज़ शरीफ साहब कल्ह हिकिड़ी ॻाल्हि कई त पाकिस्तान में इलेक्शन साफ़ ऐं शफ़ाफ़ थींदे नज़र नथा अचनि। सर इहो कहिड़ो इशारो आहे, कहिड़ी तरफ़ आहे त वाकई में इलेक्शन साफ़ ऐं शफ़ाफ़ न थींदा त अॻु में प्रेडिक्शन करे था छॾियो?
मां अर्ज क्या थे जे तरीके से हालात पैदा कया था वजन पिया जे तरीके से हालात के जे रुक दे खयो तो वने पियो एकड़ो उन पासे खयो तो वने जे पासे दे वायलेशन वायलेशन ए वायलेशन असा के बल्कि मियां साहब के ये तो लगे तक कहीं किथे यो तारीख जा गंदा तरीन खूनी तरीन जे में बेइंतिहा खूनी इलेक्शन न साबित थन इन जे करे त उए उए अदारा जो इलेक्शन से या वोट से को तल्लुक कोने वो इलेक्शन में नजर भी अंदर अचन था इलेक्शन जे रिजल्ट पे असर अंदाज थी लेकिन नजर था अचन अच्छा असर अंदाज थी नजर था अचन अच्छा सर पो नौशीफ साहब जने मरियम बीबी साहब जन अची वेंदी ते इलेक्शन जो कैंपेन हली रही हुआ पर नौशीफ ला चयो तो वने तो वे नहीं दा इलेक्शन कैंपेन ला ता के वदी खबर हुंदी सर ता क्लोज आयो मां अर्ज क्या त कुछ रिश्ता अड़ा थना सियासत को मथावा हूं कुलसूम नवाज साहब सॉरी कुलसूम नवाज साहबा की तबियत से खराब आ वेंटिलेटर से आ जेस तई उनकी तबियत नी संभिलजे तो उनको कोई को फैसलो थी सके तो ओके थैंक यू सो मच सर तुम असके टाइम दिनो सर आप दोनों से मेरा ये सवाल है निगरान हुकूमत से कोई भी पार्टी खुश नहीं है हाँ तुम दिखो इलेक्शन पेट्रोल की अगर बात की जाए तो सेंचुरी पे आ गया ये क्या तरीका है देखिए निगरान हुकूमत जो है ना जो इस वक्त जो इकदाम उठा रही है वो ज़ाहिर है वो इकदाम जो है ना काबिल तहसीन नहीं है वो पब्लिक के लिए जो है ना वो रोज़ बरोज़ जो है ना वो तकलीफ दे वो इकदाम उठा रही है अब आप देखें कि इलेक्शन में 22-23 दिन रह गए हैं इलेक्शन के अंदर और इनके दिन भी 22-23 दिन के हैं लेकिन जो इस वक्त जो रूमर्स हैं जो लोग अपने आवाम अपने जहन में ये बात सोचने पे मजबूर है कि वो आज भी इन्हीं कुछ दिन दो तीन दिन पहले वफाकी मिनिस्टरों ने भी हलफ लिया है और सूबाई जो लेवल पर जो हुकूम दें वो भी जब जब जिस जिसको सीट मिली है उन्होंने अपने लोगों को अकोमोड किया है तो वो निगरान सेटअप ने भी अपना ये इजहार कर दिया है ऐसा काम करने के बाद ठीक है उनका प्रोटोकॉल ही देख उसका, उसका प्रोटोकॉल हाँ। देख लें वो सारे मामला देख लें तो दो महीने तो मजे कर लें ये जो चीज़ है ये चीज़ जो है ना ये आवाम जो है ना निगरान सेटअप को भी देख दिया अच्छा नून लीग की हुकूमत जो है मैं भाई अगर लाइन पे होते तो मैं ज़रूर पूछता कि हमारी दुआएं और हमारी ख्वाहिशात ये हैं कि मैडम कुलसूम अल्लाह ताला उनको सेहत दे और वो खुश और खुर्रम अपने बच्चों के साथ और इस मुल्क में इस आवाम के साथ आकर खुश रहें लेकिन नवाज शरीफ आखिरकार इस पूरे पाकिस्तान कौम को वेंटिलेटर पे छोड़ के वो कैसे यहाँ से चले गए और आज आपको मैं बिल्कुल आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ आपके प्रोग्राम में कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पाकिस्तान अब नहीं आ सकते नहीं आ रहे वो नहीं आएंगे मतलब ये प्रेडिक्शन सारी सच है ना वो नहीं आएंगे क्योंकि उन्होंने अभी देखिए परसों उनके जो स्टेटमेंट आए थे वो बड़े बड़े स्टेटमेंट आप पूरी दुनिया ने सुने वो ये कहते हैं कि इस इलेक्शन के अंदर अगर आर्मी का किरदार होगा तो हम एक्सेप्टेबल नहीं है आपने तो खुद ने कहा था कि साफ शफाफ अगर इलेक्शन होते हैं तो आर्मी की मातहत आप इलेक्शन करवाएं क्योंकि आर्मी एक वाहिद इदारा है हमारे मुल्क का जो इस वक्त न्यूट्रल इदारा है सर वो तो आप और दूसरी पार्टी कह रही है ना नून लीग के लिए तो नहीं है ना हम भी, वो हम तो टारगेट बनाते हैं नून लीग हमेशा जो है जाहिर है उनके साथ बैठ के प्रोग्राम बनाती थी आज वो साथ बैठ के प्रोग्राम नहीं बना रहे तो वो इस टाइप का मुतालबा कर रहे हैं बैठ के लिहाजा वाकई ये इलेक्शन जो है वो आर्मी के जेर निगरानी होने चाहिए ताकि कौम को पता चल जाए कि कौन कौम के अंदर किसकी मजबूत जो है ना वो बुनियादें हैं लिहाजा इस इलेक्शन में आर्मी का किरदार बिल्कुल होना चाहिए और आर्मी के तहत ये इलेक्शन होने चाहिए जी पूरी आवाम का उन पे एतमाद है अच्छा मैं आपसे पूछूंगी कि ये निगरान हुकूमत और जो पेट्रोल की बातें हैं आप लोग क्या इस पे कोई स्टेप लेंगे या अभी पूरा जो ध्यान है चलो वो इलेक्शन पे पहले देखें बाद में देखें जो इन लोगों ने इलेक्शन से 22 दिन पहले बढ़ाया है इस वक्त बेइंतहा गाड़ियों ने चलना है कैंपेन के लिए एक शहर से दूसरे शहर दूसरे शहर से तीसरे शहर मैम आप लोगों की तो अमीर लोग होते हैं सारे आप लोगों की क्या है गरीब लोग बेचारे परेशान मैं बिल्कुल अमीर नहीं हूँ मैं कितनी मुश्किल से वो डीजल अफोर्ड करती हूँ 100 से ऊपर ले गए ये लोग किस कदर बुरी मतलब ये पॉलिटिकल पार्टीज को जितने भी उनके कारकुन उनको टफ टाइम देने के लिए मेरा ख्याल में तो यही है कि जो क्योंकि हमारी पार्टी गरीब पार्टी है देखें कुछ लोग सबसे ज्यादा एटीएम आपकी पार्टी में मैं वैसे ना होता रहे लेकिन हमारे पास उस तरह के फंड नहीं है जो हम अपने कारकुनों को दें हर बंदा अपनी जेब से लगाता है जो भी पैसा है जो मैं एमएनए एमपीएस की बात नहीं कर रही हूँ
क्योंकि MNA MPS हमारे बहुत सारे हैं ही नहीं, और उसके अलावा दो चार और बड़े बड़े लोग, लेकिन अदरवाइज हर बंदा अपनी जेब से लगाता है। अब यकीन कीजिए, बच्चों ने अपनी बाइक्स तक बेच दी थी, उनकी नौकरियां तक चली गई थी, मतलब हर बंदा इतनी उससे जज्बे से काम कर रहा होता है कि कुछ हो जाए बस, किसी ना किसी तरह हमारी कंपेन, हमारी जो आप कहें ख्यालात हैं, वो लोगों तक पहुंच जाएं। तो इतना ज़्यादा ये जब महंगा करेंगे पेट्रोल और डीजल, तो किस तरह कोई ट्रैवल करेगा, मुझे बताएं कि क्यों इतना जुल्म कर रहे हैं हम लोगों के ऊपर, मुझे बिल्कुल इस बात की समझ नहीं आती। देखिए, आज आज मैडम के मुंह से ये सुनकर मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि पीटीआई में, पीटीआई गरीब लोगों की पार्टी है, वहाँ के कारकुनान जो हैं, जो सपोर्टर हैं, जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो तैयारे के तैयारे हवाले कर रहे हैं, और ये गरीब पार्टी, मतलब अमीर लोग भी कर रहे हैं, गरीब लोग भी कर रहे हैं, अच्छा 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 अब आइए मैं आपके प्रोग्राम के तवसुत से, इंसानियत भी कोई चीज़ होनी चाहिए, मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जो से चीफ जस्टिस साहब से मैं अपील करूंगा कि वो हर चीज़ पे जो 100 मोटो ले रहे हैं, वो इस चीज़ पे भी 100 मोटो लें। जिस तरीके से गरीब आम पब्लिक जो 100 रुपये का जो बैलेंस डलवाती थी, जैसे उनको वहाँ पे रिलीफ दिया है, तो यहाँ पे भी 100 मोटो ले लें, क्योंकि साबिक चीफ जस्टिस ही हैं इस वक्त निगरान वज़ीर आज़म। जब निगरान वज़ीर, जब साबिक चीफ जस्टिस है, तो इन लोगों पे, इन चीज़ों पे वो तनकीद किया करते थे, आज वो वहाँ बैठ के इस तरीके से कर रहे हैं। अब आप वहाँ बैठ के जो इकदाम उठाए जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या ले ना। तो चीफ जस्टिस साहब से मेरी पुरजोर अपील है कि वो इस मामले पे आगे बढ़ें, 100 मोटो नोटिस लें, कम अज़ कम उस वक्त तक जब तक कि निगरान सेटअप है, किसी चीज पे जो है ना, जैसे ये पेट्रोल पे बम गिरा दिया गया, नहीं है, ये रेट्स नहीं आए होना चाहिए। तो ये बिल्कुल नहीं, तो वाकई में मैं देखिए, पूरी आवाम की जो नजरें होती हैं, पहले सियासतदानों पे होती थी, ठीक है, किसी वडेरे के पास चले गई, कोई MNA MP है उसके पास चले गए, हमारा काम करवा दे। अब सारे देखें चीफ जस्टिस से रिक्वेस्ट करते हैं या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से रिक्वेस्ट करते हैं, नजर आ गया है ना कि सियासतदान तो सिर्फ अपनी जेबें भर रहे हैं। अच्छा, एक दूसरी प्रेडिक्शन हुई, आप दोनों से मैं पूछूंगी। मोहम्मद मालिक बहुत हमारे सीनियर जर्नलिस्ट है, ठीक है, एंकर पर्सन भी है, उन्होंने कहा था कि भाई जो प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान बनने वाला है वो जरदारी साहब बनने वाला है, ये ऐसे उन्होंने कैसे बोल दिया, ये कौन सी गिदड़ सिंह है, बता देना। मैं देखिए, मैंने जैसे आपसे कहा कि अब उन्होंने दो दिन पहले उन्होंने बोला है, जब दो दिन मालिक साहब ने बोला है, तो मालिक साहब को पता होगा जिस जगह वो उठते बैठते होंगे वहाँ पे क्या बातें हुई हैं, क्या चीज़ें हुई हैं। और अगर ऐसा होने जा रहा है, खुदा ना खास्ता अगर ऐसा होने जा रहा है, तो फिर बड़ी अफसोसनाक बात होगी, क्योंकि आवाम की जो वोट की हैसियत और अहमियत होनी चाहिए ना, उसको उजागर होना चाहिए। पीपल्स पार्टी को अगर आवाम फिर दोबारा मुंतखब करती है, सो बिल्कुल हम खुशी के साथ इस फैसले को कबूल करेंगे, चाहे वो आसिफ जरदारी हो, चाहे बिलावल हो, कोई भी हो आ जाए, हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन बैलेट बॉक्स का एहतराम करना बहुत जरूरी है, ऐसा ना हो कि बैलेट बॉक्स की कहानी कहीं और हो रही हो और फैसले कहीं और हो रहे हो। सर, ये कैसे पता चलेगा? आप लोगों को लग रहा है कि फ्री और फेयर इलेक्शन होने वाले हैं? आप दोनों जमातों से मैं पूछना चाहती हूँ। नून लीग ने तो बोल दिया कि भाई फ्री और फेयर इलेक्शन नहीं होने वाले, आर्मी के खिलाफ है इसलिए उन्होंने बोल दिया, लेकिन आप लोगों को लग रहा है फ्री और फेयर इलेक्शन? देखिए, जो इस वक्त जो इकदाम उठाए जा रहे हैं, जिस तरीके से पाबंदियां डाली जा रही है, एक मेंबर पे पाबंदियां डाली जा रही है, अब आप ये देखें, ये पहली दफा हुआ है, ये पहली दफा हुआ कि गरीब आदमी इलेक्शन भी लड़ नहीं सकता। पहले 3,000-4,000 फीस हुआ करती थी MPA की, आज आपने 20,000 रुपए उसकी फीस कर दी, आप आज आपने NA की जो है वो 30,000 रुपए आपने फीस कर दी। वो शख्स जो ठेला चलाने वाला है, या जो आम एक शोहरत रखने वाला आदमी होता है, जो गरीब आदमी है, जो मजदूर आदमी है, जो आम इंसान में फलाह बहबूद का काम करता है, वो किस तरह से इलेक्शन लड़ सकता है? आपने ये फैसला करके तो आपने उस तबकात को तो आपने कर दिया पीछे। अच्छा, जब तक ये जो चीज आपके सामने आ रही है, बहरहाल मैं ये कहना चाह रहा था कि मुझे फेयर एंड फ्री इलेक्शन जो है ना, वो इसलिए होते हुए थोड़ा सा मैं 50-50 पे मैं बात करूंगा, क्योंकि जो इस वक्त जो इकदाम उठाए जा रहे हैं, जो इस वक्त पॉलिसीज दी जा रही हैं कैंडिडेट्स के लिए, पाबंदियां दी जा रही हैं, वो पाबंदियां जो है ना, बड़ी सख्त तरीन पाबंदियां हैं। इस तरह से इलेक्शन, वो सर इलेक्शन कमीशन को नोटिस लेना चाहिए, इस तरह से इलेक्शन नहीं हुआ, वो तो हो गई चीज, वो तो अब हो गई, चले गए फॉर्म भी, चले गए जमा भी, हो गए जी। ओके, थैंक यू सो मच, आप दोनों की बड़ी बड़ी मेहरबानी जी। नाज़रीन साहब, जो शो हो, इंशाल्लाह जिंदगी सेहत रहे, वरी सुभाणे तव्हां सां गॾु हूंदासीं। मूंखे ॾींदा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।